आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है, बबीता की रसोई में। आज की रेसिपी है दाल मुरी चटपटा। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मुरी लिया एक कटोरा। यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिए कटा हुआ बारीक। ये नमक, चाट नमक है ये एक चम्मच। ये नमकीन है मिक्स वाली। तीन हरी मिर्च लिए कटा हुआ। ये धनिया पत्ता। मैंने दो यहाँ प्याज लिया है बारीक कटा हुआ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। एक चुटकी मैंने हल्दी लिया हुआ। मैं यहाँ पे मूरी डाल रही हूँ पतीले में। नमक, हल्दी एक चुटकी, नमकीन मिक्स, टमाटर कटा हुआ बारीक, प्याज कटा हुआ बारीक, हरी मिर्च कटा हुआ बारीक, हमारा चाट नमक है। ये सरसों का तेल चार चम्मच, छोटे चम्मच से चार चम्मच। ये हमारा धनिया पत्ता कटा हुआ बारीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों का तेल डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। कच्चा सरसों का तेल है। जिनको ज़्यादा तीखा खाना है तो फिर वो पाउडर वाली पाउडर वाला भी डाल सकते हैं आप, लाल मिर्ची पाउडर वाली। मैं यहाँ लाल मिर्ची का यूज नहीं कर रही हूँ।
मैं सिर्फ यहाँ हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कटा हुआ नींबू ले रही हूँ। नींबू डालने से थोड़ा चटपटा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा झाल मूंग बन चुका है। नींबू डालने से और अच्छी खुशबू आती है। बन चुका है हमारा ये चटपटा झालमुरी। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ।